सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना ही अपने आप में एक जीत है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती है। आज का पंचांग 18 मार्च 2020, दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 4:26 तक रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 1:01 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:09 से 1:49 तक रहेगा, 1:39 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 7:25 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। धनु राशि 18 मार्च 2020, दिन बुधवार, आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, लेकिन आज आप ना तो कोई अच्छी सलाह और ना ही अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपका यह अड़ियर रवैया आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों की जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। इस समय आप यात्रा करेंगे जैसे आपको कोई खास अवसर मिल सकता है। इस अवधि में आप रुकावट और निराशा का सामना करेंगे। अपने जीवन में चीजों को विकसित करने और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। आपके कामों कर्म पुरुष का प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए आपको पहचान मिलेगी। आज के दिन आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर रहने और आय की नए स्रोत बनाने का है। अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय बेहतर नहीं रहेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिल सकता है। आपको कुछ नई संभावनाओं के बारे में आगे बढ़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। निजी जीवन में आपको अपना समय अनुकूल और सकारात्मक रहने का है। सावधानियां, छोटी छोटी प्रशंसाओं से बाहर निकलें और जिनके आप लायक हैं वो काम करने से पीछे ना हटें। आपके रिश्तों में होने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आपको प्रतिद्वंदिता या अन्य लोगों के आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आप और आपका साथी हाल ही में काफी व्यस्त थे, इसलिए आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रयत्न करें। रात का भोजन करने के लिए किसी अच्छी जगह जाएं, जहां आपका साथी आपकी ओर आकर्षित हो सके। प्रशंसा की भावगंभीर में आपके रिश्ते को और आगे लेकर जाएगी। एकल व्यक्तियों के लिए भी किसी के साथ बाहर जाना महत्वपूर्ण होगा जो उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। करियर की बात करें तो आज आप एक ऐसे सरल पेशवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें। संभावना है कि वह कार्य के माध्यम से अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप इसे ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिनमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। सेहत की बात करें तो जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते,
आपको तसल्ली नहीं होती, लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसे आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है। कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। आज का उपाय, आज आप गाय को ताजी रोटी खिलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।